वहीं महाराजपुर में मामूली सा चोरी का मामला छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह तक जा पहुंचा। दरअसल ये मामला महाराज इलाके के मऊ गांव का, जहां के रहने वाले जितेंद्र श्रीवास ने अपने ही पड़ोसी को घर के अंदर चोरी करते पकड़ा। आपको बता दें कि जितेंद्र ने अपने ही पड़ोसी रोहित श्रीवास के खिलाफ मोबाइल के साथ 5,000 रुपए की चोरी के आरोपों के तहत थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फरियादी का आरोप है कि पुलिस ने लेनदेन करके मामले को ही दबा दिया, जिसके बाद फरियादी ने एसपी सचिन शर्मा से लेकर डीआईजी विवेक राज सिंह तक मामले की शिकायत कर दी। 18 तारीख को रात में खाना खाकर लेट गया मैं, तो सोने समय मानो 2 बजे रात के करीब रोहित ने गया छत का छत जीना से उतर कर मेरे मकान में आया, तो उसमें बड़ा मोबाइल वीवो कंपनी का और छोटा मोबाइल सब्जी बेचने के 5,000 रुपये रखे थे, उसने वो मोबाइल निकाले तो वो वापसी जाने लगा। कितनी दूरी गई रोहित रजा? उसकी शिकायत की आपने? जी। कहाँ शिकायत की? महाराजपुर थाने में रिपोर्ट डाली थी मैंने, और इसके बाद उन्होंने बुलाया तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने उनको बुलाया और मेरे को बुलाया था। क्या कार्रवाई हुई? बस जैसे थोड़ी थोड़ी कुछ याद इसने वहाँ पूछ दी जैसे कोई रामाड़ हो रही हो। वो समझ से जाए तो मेरी चोरी करी। किसने की? रोहित रजक ने करी, भूतनाथ ने करी। इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की कोई सुनाई नहीं भाई। कहाँ पर शिकायत की? महाराजपुर थाने में करी। इसके बाद कहाँ की जब आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की? तो कोई कार्रवाई नहीं भाई। फिर कहाँ से शिकायत की आपने? अब करी मैंने छतरपुर एफसी साहब लो, जीआई साहब लो, अदालत में। क्या चाहते हो आप? मैं न्याय चाहता हूँ कि गायब हो या समूह साहब।